यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 2 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि सरकार निर्णायक कदम उठा चुकी है और कोई भी आतंकवादी जहां भी छिपा हो, हमारी सुरक्षा बल के जवान उन्हें ढूंढ निकालेंगे और उनको वहीं भेजेंगे जहां उनको जाना चाहिए। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में वो ये उत्तर दे रहे थे, जिसमें ये पूछा गया था कि जो आतंकवादी घटना कश्मीर में हुई है उस पर उनका क्या कहना है। उन्होंने आगे कहा कि 2024 में 80 में से 80 सीट भाजपा गठबंधन जीत जाएगी, यानी एनडीए सुपड़ा साफ कर देगा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तथा कांग्रेस की। ये तीनों दल मिलकर भी यूपी में खाता नहीं खोल पाएंगे। गौरतलब है कि केशव प्रसाद मौर्य पहले भी इस तरह का दावा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि तीसरी बार मोदी सरकार एक बार फिर से बनेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की सेवा करेंगे। रहा सवाल आजम खान का, तो आजम खान के घर के छापे पर उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स को निश्चित रूप से कोई सुराग मिला होगा और वो अपना जांच अलग से करती है, छापे डालती है, उसमें हमारी सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन ये पूछने वाली बात है कि अखिलेश यादव के पेट में इन छापों से दर्द क्यों हो रहा है, ये आप उनसे जाकर जरूर पूछिएगा। उन्होंने ये भी कहा कि क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं और उसमें अगर किसी को चोट लग जाती है तो दूसरा खिलाड़ी उसकी जगह ले लेता है और सोचता है कि वो बहुत बड़ा खिलाड़ी हो गया, और यही बात गठबंधन के साथ लागू होती है। और गठबंधन वैसे ही है जिसमें एक अनार और 100 बीमार हैं, और इस गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के तमाम दावेदार हैं। हर बैठक में कोई ना कोई निकल कर सामने आ जाता है। ये गठबंधन वैसे ही है जैसे, और इसको एक रहना वैसा ही मुश्किल काम है जैसे तराजू में मेढक को रख के तौलना। यदि कोई मेढकों को तौलना भी चाहे तो तौल नहीं सकता है, और वैसे भी विपक्षी गठबंधन एकजुट नहीं रह सकता। सनातन धर्म पर हो रहे हमले के बारे में उन्होंने कहा कि लोग शब्दों का बाण चला सकते हैं लेकिन कोई भी सनातन धर्म को छू नहीं सकता। जैसे सूर्य भगवान को कोई छू नहीं सकता, वैसे कोई भी सनातन धर्म को छूने की हिम्मत तक नहीं कर सकता। सरकार निर्णायक कदम उठा चुकी है, कोई भी आतंकवादी जहां भी छिपा होगा हमारे सुरक्षा बल के सेना के वीर बांकुरे उन्हें खोज निकालेंगे और उनको वहां भेजेंगे जहां उनको जाना चाहिए। सर आमतौर पर हमें एक ही बात लग रही है कि 2024 में 80 में से 80 सीटें भाजपा गठबंधन जीतेगा, सपा और बसपा और कांग्रेस या कोई दल मिला करके भी उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खोल पाएंगे, तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। जांच एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं, अगर कहीं उनको कोई सुराग मिलेगा तो अपना जांच करती हैं, छापे डालती हैं, उसमें सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन ये श्री अखिलेश यादव जी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है ये उनसे पूछिए। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इंडिया गठबंधन से घबराई हुई है बीजेपी, इस वजह से तमाम तरह की बातें की जा रही है। देखिए एक क्रिकेट का मैच होता है, उसमें 11वें प्लेयर के रूप में कोई अगर आता है तो वो क्या होता है, कोई को चोट लग जाती है तो वो कैच वैच एक ले लेता है, वो सोचता है कि मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। मैं यह मानता हूँ कि यह गठबंधन वैसे है जिसमें एक अनार 100 बीमार, जहाँ प्रधानमंत्री पद के इतने दावेदार हैं कि हर बैठक में कोई ना कोई जैसे तराजू में मेढक रख करके कोई तौलना चाहे नहीं तौल सकता है, वैसे यह विपक्षी गठबंधन भी एकजुट नहीं रह सकता, ही आपस में लड़ रहा है। सनातन पर आघात करने वाले यह शब्दों का बाण चला सकते हैं लेकिन सनातन को छू भी नहीं सकते, जैसे सूर्य भगवान को नहीं छू सकते वैसे सनातन को नहीं छू सकते। यूपी न्यूज 9 के लिए वाराणसी से सुजीत पटेल की रिपोर्ट।